तो वो रहा बांग्लादेश। और आपको एक कमाल का और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो नाव है ना, ये नाव बांग्लादेश का है। यहाँ पर एक सीन हो गया था। सीन वो है कि मैं इधर चला आया ना, तो इस साइड पे आना अलाउ नहीं था। ये जो आगे रास्ता दिख रहा है आपको, ये शमशान घाट, यही तक का मतलब परमिशन है आने का। बाकी जो मेरे पीछे में जहाँ पे था, तो उधर BSF का एरिया है, उधर जाना अलाउ नहीं था। तो है गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये कोई प्लान व्लॉग नहीं रहेगा। जैसे कि मैं हर जगह पे प्लान करके ही जाता हूँ, आज कोई प्लान नहीं है। थोड़ा मन ख़राब था इसलिए बाइक को बाहर निकाला, चलो आज कहीं घूम आते हैं। ऐसी जगह पे घूम के आते हैं जहाँ पर गए नहीं हम कभी। तो लो, मैं आ गया रस्तों पे। भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी रस्तों पे, मतलब वो वाला नहीं, रस्ते पे आ गया मैं घूमने के लिए। तो मेरा कोशिश यही रहेगा आज आप लोगों को एक अच्छा सा व्लॉग दूं, और ऐसे खूबसूरत रस्ते और खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऐसा एक सीन हो गया मेरे साथ कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो तो मेरे GoPro के मोड के साथ लगा हुआ था, बट वो मैंने GoPro के साथ कनेक्ट नहीं किया। और मैं घर से बाहर आते टाइम बात करते 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 आया, फिर अभी जो आप ब्लॉग देख रहे हो स्टार्टिंग से, तब मैं बैटरी चेंज करने गया तो देखा कि यार मैंने वो लगाया ही नहीं, मेरा साउंड कैसे आएगा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो फिर से मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो मैं आपको अच्छा देने का कोशिश करूंगा ही। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं जितना मेरे से हो सकता है। हालांकि मैं कोई प्रो बंदा हूं नहीं जो पूरा स्क्रिप्ट करके करेगा, जितना मेरे से हो पता है मैं करता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे ये कौन सा जगह है भाई, छोड़ो मैं तो यही चला जाता हूँ, मुझे क्या। ये है बशीरहाट ब्रिज, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, काफ़ी खूबसूरत। देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। यार अच्छा रास्ता छोड़ के मैं टट्टी रास्ते पे आ गया क्या, सीरियसली? यही तो मुझे पसंद नहीं, इसी से तो दूर जाना चाहता था मैं, और इसी में फंस गया दोबारा। एक ऐसी बात है भाई साहब, हालांकि मैं खो गया हूँ बट मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि मैं खो गया हूँ। अपने आप अपने लाइफ पे एंजॉय करने निकला हूँ आज, यार खोने का बात ही नहीं आता इधर, कैसे खो जाए। कौन सा जगह है, रास्ता तो ख़त्म कर दिया, अभी वापस चले जाता हूँ। ओके थैंक यू। तो मैं भैया से बात कर रहा था, एक पूछ रहा था इधर घूमने का कोई जगह है, बोला कि नहीं भाई इधर तो घूमने का जगह है नहीं, यहाँ तो सिर्फ ईंटों का भाटा है और एक फेरी घाट भी है। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं ईंटों का भाटा से ही निकलूँगा, यहीं से आपको दिखाऊँगा टाकी का रोड और बांग्लादेश बॉर्डर भी आपको दिखाऊँगा आज। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पता नहीं टाकी में ड्रोन उड़ाने देंगे कि नहीं, छुप छुप के उड़ाएंगे, बस डर ये है कि कोई मेरा ड्रोन सीज ना कर दे। अभी एक जन बताया कि इसी रोड से मैं टाकी तक पहुंच सकता हूं, बस अभी देखता हूं कितना दूर है।
और ये देख सकते हो आप चारों तरफ का नज़ारा, मतलब चारों नहीं दोनों तरफ का नज़ारा। पीच का रास्ता ना, सॉरी, ये जो रास्ता है ना पीच के, वो टूटे फूटे रास्तों से बहुत ही अच्छा है। ऐसे रास्तों पे चला जा सकता है, बट पीच का जो टूटा फूटा रास्ता है ना उसके ऊपर से चला नहीं जाता यार बाइक लेके। अब बात वही है कि जो है उसी को लेकर खुश रहो। इनसे पूछ लेता हूँ एक बार टाकी कहाँ है। हाँ तो मैं इन अंकल से पूछ लिया, हाँ जा सकते इसी रास्ते से जा सकते, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ से आप जा तो सकते हो मगर रास्ता आपका ऐसा ही मिलेगा टूटा फूटा। मैं भी कहता हूँ ठीक है ऐसा रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इससे बुरा ना हो, इससे बदतर ना हो, बस यही कहना चाहूँगा मैं। इधर एक और रास्ता आ गया, टाकी टाकी टाकी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बट मैंने पूछ लिया एक बार कंफर्म होने के लिए कितना दूर है और आगे कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा। हो सकता है कि लद्दाख में नेटवर्क वगैरह ना हो इसीलिए लोग पूछते हैं लोकल से, बट यहाँ तो नेटवर्क है, बट फिर भी मैं लोगों से पूछ पूछ के ही जा रहा हूँ। उसमें भी एक अलग सा मज़ा है यार, लोगों से बात करो, नए नए लोगों से बात करके अच्छा लगता है भाई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो आप जुड़े रहो वीडियो के साथ, मैं आगे आपको मिलता हूँ अच्छे रास्तों पे। गाइस मैं तो अपना मूड फ्रेश करने आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे लद्दाख मिल गया यार, सस्ता वाला लद्दाख। लेकिन नज़ारे देखो, आप देख रहे हो नज़ारे, क्या नज़ारा है इधर। भाई साहब इधर तो पिकनिक चल रहा है, वाह ग्रेट। सामने देख रहे हो आप, सामने ओ रहा बांग्लादेश, उधर वो बांग्लादेश और इस नदी का बंटवारा हो गया इंडिया बांग्लादेश। रास्ता खत्म हो गया, सो
मन की शांति के लिए बॉर्डर पहुंच गए गाइस। पूरा वो बांग्लादेश है और यस नदी का इस साइड हमारा इंडिया, नदी का आधा उधर है बांग्लादेश, तो यही है बॉर्डर। इसलिए देख रहे हो ना इनके जो बोट है, बोट के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है ताकि लोग समझ सके कि ये इंडिया का है, और दूसरा अगर कोई आए बांग्लादेश का तो उसका भी बांग्लादेश वाला झंडा लगा के रखेगा ताकि लोग समझ सके। तो गाइस हम खतरों का खिलाड़ी बनने आए हैं इस साइड पे, ओके। जहाँ पर कोई बाइक लेके नहीं आता उधर हम बाइक लेके आ गए। ये तो पार्क है यार, ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पार्क है। मैं क्या कर रहा हूँ उधर? क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? लास्ट टाइम मैं यही, अरे यार ये तो बंद कर दिया यार। अगर आप में से कोई इधर आना चाहता है घूमने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर बैठने का जगह है, अपन बैठेगा इधर। मुझे अच्छा लगा है जगह, बचपन की याद दिलाता है ऐसी जगह। तो ये है टाकी जो कि इंडिया के अंदर है, और वो है बांग्लादेश। बस नदी के उस पार ही बांग्लादेश और इस पार हमारा इंडिया। और ये जो नाव दिख रहा है आपको, ये नाव बांग्लादेश का है। इसके साइड वाला जो नाव है वो भी बांग्लादेश का है। और मैं तो सबका दोस्त, आपका दोस्त, सबका दोस्त। अच्छा गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ पर एक सीन हो गया था। सीन वो है कि मैं इधर चला आया ना तो इस साइड पे आना अलाउ नहीं था। ये जो आगे रास्ता दिख रहा है आपको, ये शमशान घाट, यही तक का मतलब परमिशन है आने का। बाकी जो मेरे पीछे में जहाँ पे था तो उधर बीएसएफ का एरिया है, उधर जाना अलाउ नहीं था। बट मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, और एक मैडम से मैं बात कर रहा था, एक बीएसएफ मैडम से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से नहीं उड़ा सकते। मतलब उन्होंने तो पहले नहीं बताया, उनका जो सीनियर है उन्होंने ही बताया था कि यहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, आप बाहर जाके कहीं उड़ाइए। मैडम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। तो फिर कभी आएंगे दोबारा, तो अभी चलते हैं घर। और इधर घूमने के लिए ज़्यादा कोई जगह मुझे दिखा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे इतना घूमने में अच्छा नहीं लगता। चल झूठा। तो चलो मैप वैप लगा लिया घर का, अब घर वापस चलते हैं।